विकास नगर के कुंजा ग्रांट में आंगनबाड़ी केंद्र में रखे सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आंगनबाड़ी केंद्र में रखा गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री लेकर चोर फरार हो गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुदेश पाल ने बताया कि सुबह आंगनबाड़ी केंद्र का जब ताला खोला तो दीवार की ग्रिल टूटी मिली, जिसकी शिकायत थाने में की गई। वहीं ग्राम पंचायत में बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए ग्राम प्रधान ने मीडिया के माध्यम से एसएसपी देहरादून से कुंजा ग्रांट में पुलिस चौकी खुलवाने की अपील की। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप पुलिस बिल्कुल अंकुश नहीं लगा रही है या काम नहीं कर रही है? पुलिस तो अपना काम कर रही है, अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभा रही है, बल्कि 24 घंटे में से मान लीजिए कि 12 घंटे तो पुलिस हमारे गांव में ही रहती है, तो फिर भी चोरी हो रही है, इसका क्या है मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण यही है कि जो बाहर के प्रदेश है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उससे लगता हुआ हमारा मिर्जापुर हो गया, यहाँ से बड़े स्तर पे तस्कर नशे का व्यापार कर रहे हैं, और जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है उसके माध्यम से भी यहाँ नशा बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मेरा नाम स्वदेश है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ कुंजा ग्रांट से। यहाँ पे कल रात चोरी हुई है। हम लोग जैसे ही 9 बजे आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है, आंगनबाड़ी का ताला खोला गया, आई मैं सुबह, देखा तो यहाँ पे पीछे की जो ये ग्रिल है, खिड़की है, ये टूटी हुई थी, और यहाँ पे जितना भी जो भी सामान था हमारा, सिलेंडर और बर्तन, कुकर, थाली, गिलास, खाद्य सामग्री जितनी भी थी, जो भी थी, सब जो है चोरी हो